खरगोन भगवानपुरा जनपद पंचायत के ग्राम बाड़ी खुर्द में सरपंच पद के चुनाव को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मतगणना में धांधली के आरोप लगाए। हारे हुए प्रत्याशियों ने डिप्टी कलेक्टर के मालवीय को ज्ञापन सौंपकर फिर से मतगणना की मांग की है। ग्राम बाड़ी खुर्द की उम्मीदवार रही ममता सिसोदिया ने बताया, मतगणना में हमारी ओर से बैठे एजेंट को बीच मतगणना में बाहर कर दिया था। पीठासीन अधिकारियों ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के यहाँ से आए टिफिन में खाना खाया, उन्हें मोबाइल पर उपयोग करने का मौका भी दिया। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान बिजली गुल हो गई थी, इस दौरान फेरबदल किया गया। सिसोदिया का कहना है कि पहले हमें विजय बताया गया था, इसके कुछ देर बाद प्रतिद्वंदी को विजय घोषित कर दिया गया। हमने फिर से मतगणना की मांग की है, लेकिन जिम्मेदारों ने हमारी नहीं सुनी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये ग्राम बाड़ी पंचायत का मामला है और मतगणना के अंतर्गत कुछ गड़बड़ी का मामला है, इसमें आए हैं हम। किस तरह की गड़बड़ी? ये मतलब दो वोटों की गड़बड़ी की शंका है हम सभी गांव वालों को, और इसी के अंतर्गत आए हैं। और इसके बाद में जैसे लाइट चले जाना, प्रत्याशी के घर से टिपन जाना, मोबाइल अंदर जाना, इसमें हमको सभी गांव वालों को शंका नज़र आती है, और इसके संबंध में हम लोग कलेक्टर और SDM ऑफिस में ज्ञापन देने आए। आज आप सुनवाई के लिए आए हो, अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो अगला कदम क्या रहेगा? इसके बाद अगर हमारी सुनवाई का निराकरण नहीं होगा तो हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। जैसे आई हूँ और हमारे नोटों की गणना के लिए में हमें शंका है कि दो वोटों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, कि भाई दो वोटों से हमें ये हो रहा है कि भाई डाउट हो रहा है उसमें, जैसे वो वोटों की गिनती करना, बीच में रोकना खाना खाना, और फिर बीच के इसमें समय में लाइट चले जाना, ऑफ हो जाना, गांव में लाइट होने के बावजूद भी वहाँ पे लाइट चले जाना, पर इसी के कारण हमें, इस कारण से हम आए हैं। और मोबाइल अंदर ले जाना, मोबाइल ले जाना भी अलाउड नहीं है, और बाहर का खाना लाना, किसी के घर से खाना लाना, ये भी अलाउड नहीं था। बस इसी के कारण से हम आए हैं, और यहाँ पे हमने जो मुझे दिया है, आवेदन दिया है, अगर यहाँ से अगर हमें नहीं कहा ये हो रही है, नहीं सुनवाई हो रही है, तो जो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें हम ये नहीं करेंगे। लिखा है ग्राम पंचायत बाड़ी से, हमें पुनर्गणना करवानी है मतदानों की। हमने आवेदन किया था वहाँ पर, रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे पीठासीन अधिकारी थे उनको, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप यहीं पर पुनर्गणना कीजिए, हमें इस गणना से संतुष्ट नहीं है। क्या कारण था, क्यों नहीं संतुष्ट है? बीच में काउंटिंग को रोक दिया गया, और जो पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया गया था, और सारी पर्चियाँ खोलने के बाद में बाहर निकाल दिया था। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और खाना खाया, उसके बाद में फिर अंदर किया और फिर बताया कि ये गणना करते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमें शंका है कि इसे फिर से पुनर्गणना की जाए। हम ये चाहते हैं पूरे गांव वाले, हम इस गणना से संतुष्ट नहीं है, जबकि ये नियम के विरुद्ध है कि उन्होंने चलती अकाउंट जहाँ चल रहा है, गणना चल रही है, उस गणना में से सारे पोलिंग एजेंट वो गणना वाले बैठे थे उन सबको बाहर निकाल दिया। ऐसी जीत की घोषणा में कोई फेरबदल हुआ क्या? नहीं, जीत की घोषणा में फेरबदल तो नहीं हुआ, पर आंकड़ों में फेरबदल जरूर हुआ। पहले बताया गया कि सामने वाली रुक्मणी, क्या नाम है उनका, उनको 475 वोट मिले, बाद में पता चला कि 480 वोट मिले। कितने वोटों का अंतर रहा? अभी फिलहाल दो वोटों का अंतर है। क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह सिसोदिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।